जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। मां अन्नपूर्णा रक्तरक्षक के तत्वाधान में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। कुल 50 रक्तवीरों ने किया स्वैच्छिक रक्तदान। मधुबनी जिले के जयनगर के किसान भवन परिसर में मां अन्नपूर्णा रक्तरक्षक के तत्वावधान में एक दिवसीय रक्तदान शिविर समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम वैदिक विधि विधान से मंत्रोच्चारण के बीच आगत अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी शुक्ला ब्लड बैंक दरभंगा के डायरेक्टर मुकेश सिंह, उप मुख्य पार्षद नगर पंचायत जयनगर के माला देवी, राजद के प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव, सोशल वर्क दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, पूर्व प्रमुख सचिन सिंह, मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के संरक्षक डॉ. सुनील कुमार राउत, मुख्य संयोजक अमित राउत, मां अन्नपूर्णा रक्तरक्षक जयनगर के अध्यक्ष रोहन रंजन सिंह, प्रवीर महासेठ, उपेंद्र नायक, ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र महतो एवं सुमित कुमार राउत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात सभी आगत अतिथियों को मिथिला परंपरा अनुसार पाग एवं दोपटा से सम्मानित किया गया। इस मौके पर संस्था के प्रवीर महासेठ एवं उपेंद्र नायक ने कार्यक्रम का संचालन किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी ने कहा कि मां अन्नपूर्णा सेवा समिति जयनगर के द्वारा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में कई उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय कार्य किए हैं। इस संस्था के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वह सराहनीय प्रयास है। बीते कई सालों से सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर लाभ देने का काम किया है। रक्तदान शिविर कार्यक्रम में उपस्थित सभी आयोजनकर्ता, सभी रक्तदाता, सभी यहाँ उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, यहाँ उपस्थित सभी मीडियाकर्मी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साधुवाद देती हूँ। ये रक्तदान महादान कहा जाता है और जैसा डॉक्टर्स का कहना है कि जो रक्त देते हैं वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। प्रत्येक वर्ष में एक बार रक्त जरूर दान करना चाहिए, जैसा कि डॉक्टरों का कहना है। तो यहाँ जो भी रक्तदाता है उन सभी का मैं बहुत से प्रोत्साहन करना चाहती हूँ कि आप इसी तरह प्रत्येक वर्ष रक्त देते रहें। आपके ही इस रक्त से जो हमारे निजी व्यक्ति हैं जिनका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या कोई किसी तरह की बीमारी है, उनको रक्त की ज़रूरत होती है, तो आप ही के रक्त से उनको जीवन दान मिलता है। तो रक्तदान जीवन दान एक कहावत है, आपका ही रक्त दूसरे व्यक्ति के लिए जीवन दान हो सकता है। इसलिए इसमें सभी युवाओं से मेरा अनुरोध होगा कि अधिक से अधिक संख्या में जागरूक होकर के आप लोग रक्तदान करें। जो हमारा कहीं संरक्षित रहता है वो रक्त, और ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरतमंद व्यक्तियों को वो रक्त दे करके जीवन दान दिया जाता है। क्योंकि वह समय की कमी है, बोलना तो बहुत कुछ है लेकिन अभी हमको जस्ट निकलना है, इसलिए मैं यहाँ पर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है कि जयनगर में इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होते हैं, यानी जयनगर की जनता काफ़ी जागरूक है रक्तदान को लेकर के। हमेशा बहुत सारी समितियाँ इसको संचालित करती रहती है। आज मानपूर्णा सेवा समिति की तरफ से की गई है जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया, इसलिए मैं आयोजनकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस तरह का कार्यक्रम आप लोग करते रहे और जयनगर की जनता जागरूक होती रहेगी। और हमारे जयनगर अनुमंडल में कभी भी जरूरत पड़ने पर जो दरभंगा से आए हुए हैं शुक्ला मेडिकेशन से, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। कभी भी हमारे जयनगर की जनता को ज़रूरत हो इस तरह के रक्त की, तो हमेशा तत्पर रहते हैं और आगे भी रहते हैं। इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों का मैं फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। आप लोगों का हमेशा से जोश दुगुना तिगुना चौगुना बढ़ता जा रहा है और इसके लिए आप सब आदमी काबिल तारीफ हैं। आप लोगों का काम मैं क्या कहना, सब कुछ आले दर्जे का रखता है आप लोगों का। मेरा बस यही कहना है कि इसी तरह से चलते रहना चाहिए, जोश को ठंडा नहीं होने दीजिए और चलते रहने देना चाहिए। विशेष रूप से अमित जी सुमित जी का जो कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छा है, चाहे पेशेंट को रक्त उपलब्ध कराने के लिए भी काफ़ी नोबल रहते हैं। हर आदमी को हमेशा जब भी जरूरत होता है वो सूचित करते हैं और पेशेंट को अभी तक काफ़ी ब्लड मिला है, ऐसा ही सहयोग मिलता रहे। रक्तदान में मैं कहना चाहूँगा जो आप लोगों का क्या कहना, आप लोगों को सब रक्त दिए हैं, कोई चार बार कोई छः बार भी सुना है, करते रहिए, देने से अच्छा लगता है, जितना दीजिएगा उतना ही अच्छा लगता है। आज के इस विशेष आयोजन के लिए आप सभी को हृदय से आभार और धन्यवाद, और इसको और बढ़िया सफल बनाएं इसके लिए हमारे तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जो इस रक्तदान शिविर लगाए हैं और यहाँ उपस्थित हमारे
हमारे अध्यक्ष जी, अजीत तिवारी जी, राजकुमार जी, और प्रमुख सचिव जी, हम लोग सबको आपके माँ पूर्णा समिति को हम लोग जहाँ जरूरत पड़ेगा हम लोग साथ में साथ रहेंगे और एक अग्रह दिन है और खुशी की बात भी है। माँ अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा जो रक्तदान का जो शिविर लगा करके आज हमारे मुख्य अतिथि अनुमंडल पदाधिकारी महोदया श्रीमती बेबी कुमारी जी आए थे, इनके द्वारा दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया गया है। इसमें सारे हमारे अतिथि लोग उपस्थित थे। जैसे इस कार्यक्रम में उपस्थित शुक्ला DTCT ब्लड बैंक की ओर से यहाँ अपना बहुमूल समय दिए हैं मुकेश जी, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष, उसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे बड़े भाई विजेंद्र जी, यहाँ अपना समय दिए हैं बहुमूल, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ मैं। यहाँ उपस्थित हमारे बड़े भाई अरविंद तिवारी जी, मुख्य उप पार्षद की जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे तिवारी बड़े भाई, भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रखंड अध्यक्ष बड़े भाई राजकुमार जी अपना समय दिए हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे प्रिय भाई पूर्व प्रमुख सचिन जी भी अपना समय दिए हैं, यहाँ सामने देख रहे हैं, जो अपना ब्लड डोनेट करने में सबसे पहले लगता है अपना नंबर ही लगा रखे हैं, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ सचिन भाई को। और प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का हो या किसी व्यक्ति का, तो हमारे बिहार लेवल पे प्रतिनियुक्त कर रहे हैं हमारे बड़े भाई राम प्रसाद राउत जी, इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, मैं इनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। उपेंद्र जी भी हमारे उपस्थित हैं बहुत पहले से। और हमारे मीडिया के सभी सम्मानित भाई जैसे पप्पू जी उपस्थित हैं, हमारे दुर्गानंद दुर्गेश जी भी उपस्थित हैं, सभी माँ अन्नपूर्णा सेवा समिति में जो भी वर्षों से इस कार्य में लगे हुए हैं, ये लोग आज तो रक्त दान शिविर लगा करके जो काम आज जयनगर अनुमंडल में इस मिथिला के पावन भूमि किसान भवन में जो काम आज करने जा रहे हैं, बिल्कुल ही जयनगर अनुमंडल गौरव महसूस कर रहे हैं, ऐसा होना भी चाहिए। ये जिले के लिए मेरे ख्याल से ये इतिहास बनने वाली है। आज जो काम आपने कर दिखाया है, चूंकि नई बात नहीं है, जिस समय बहुत बड़ा कोरोना काल के समय में आप लोग इतने भरे भूमिका निभाए थे किचन सेंटर चला करके, अभी भी आपका चालू है। कुछ माह पहले हम भाग लिए थे तो 400 या कितना दिन बताया गया था, 800 से एवं दिन बताया गया था, तो मुझे खुशी हुई थी कि नहीं यह काम आप मानव जीवन के लिए बहुत ही बेहतर काम है, सराहनीय काम है। जैसा कि रक्तदान, ऐसे तो कहने के लिए लोग कहते हैं रक्तदान, रक्तदान का मतलब समझते हैं, मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा दान कहा जा सकता है। एक जीवन दूसरे जीवन को अनुदान में रख दे करके अनुदान, जैसे जीवन के लिए अनुदान कहा जाता है, वही होता है रक्तदान। रक्तदान देने से यहाँ बहुत फायदा होता है, खास करके जो भी व्यक्ति रक्तदान देते हैं, सबसे पहले तो दान देने से पहले समझ लें जो हमें जो शरीर के अंदर में जो भी कमी है, यह कमी रक्तदान करने से बस आधी एक घंटा के बाद में आपको पूरा होने लगेगा।
जैसे बीपी ब्लड प्रेशर होता है, वजन होता है, जैसे आपको बहुत फैट हो गया है, वजन बढ़ गया है, यदि आपके अंदर यदि बीपी का शिकार होने वाले हैं, तो यह सब चीज बहुत बीमारियों से छुटकारा दिलाएगी रक्तदान करने से। तो यह मंच कोई भाषण की मंच नहीं है मित्रों, और यहाँ पे उपस्थित हमारे सारे बहुत सारे बहने उपस्थित हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ जो आप लोग इसमें अपना भागीदारी दे रहे हैं। बड़ा खुशी की बात है, जयनगर की गौरव की है बात है जो आप लोग बहुमूल्य समय देकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जाते जाते सभी साथियों को माँ अन्नपूर्णा सेवा समिति में जो भी हमारे ऊर्जावान साथी वर्षों से लगे हुए हैं और दिन प्रतिदिन नए तरीका से आप लोग सेवा करने का नए नए तरीका लाते हैं ढूंढ करके, तो मुझे खुशी होती है। जाते जाते मैं जयनगर राजन प्रखंड अध्यक्ष की ओर से तमाम साथी को मैं दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।